नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव। घटनाओं के साथ तनीषा जैन। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले सामने आई रामलला के बाल मूर्ति की तस्वीर। आपको बता दें कि भगवान की मूर्ति खड़गासन में बनाई गई है, जो कमल पर विराजित है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अयोध्या में होटल और धर्मशालाओं को 22 जनवरी की एडवांस बुकिंग कैंसिल करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 अपराधियों की याचिका की खारिज। सभी अपराधियों ने याचिका दायर कर सरेंडर करने के लिए अधिक समय की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका में बताए गए कारणों में दम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को घर की चाबी सौंपी और कहा काश बचपन में ऐसे ही घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। गुरु पदवंत सिंह पन्नू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जान से मारने की धमकी। ऑडियो मैसेज में कहा योगी आदित्यनाथ को सिख फॉर जस्टिस से कोई नहीं बचा पाएगा। दिल्ली की 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से हुई 6 लोगों की मौत। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू करने की कोशिश। 8 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज से शुरू अंडर-19 वर्ल्ड कप, पहला मैच साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा है। फाइनल मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में शेयर बाजार में दर्ज की गई तेजी। सेंसेक्स 496 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 160 अंक चढ़ा। फिल्म मैटर हुआ सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की स्क्रीनिंग में बीती रात पंकज त्रिपाठी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे। एक्ट्रेस रकुलप्रीत और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी की शादी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 19 और 20 फरवरी को गोवा में प्री वेडिंग फंक्शन होंगे, जिसके बाद 21 फरवरी में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आज की खबरों में इतना ही। अन्य मुख्य समाचारों के लिए देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।